रुपे जी, खाद्य तेलों में क्या लगता है? इंडोनेशिया ने तो अपना एक्सपोर्ट चालू कर दिया है, फिर दूसरा अब ऐसी खबरें हैं कि जो रशिया है यूक्रेन से जाने वाले खाने के तेलों के जहाज को एक मानवीय रास्ता दे सकता है, मतलब वहां से जो सप्लाई होगी उस पर कुछ उसको प्रतिबंध नहीं लगाएगा उसके ऊपर रशिया। तो ऐसे में इन खबरों से आपको क्या लगता है, क्या अब भारतीय तेलन बाजार टूट सा नजर आ सकता है क्या यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, तिलहन बाजार में अभी करेक्शन का जोन आगे चलकर देखने को मिल सकता है। लगातार हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि अब एडिबल ऑयल पैक में जो तेजी आनी थी वो आ चुकी, अब यहाँ से गिरावट की तरफ मार्केट एक बार जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए महंगाई अब चरम सीमा को छूती हुई नजर आ रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। इसके चलते ही हमने देखा कि जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो गेहूं हो या फिर शुगर हो, इन सबके एक्सपोर्ट पर बैन लगता हुआ दिखाई दिया कल। और जहां तक तिलहन की बात है तो तिलहन में भी सरकार ने काफी जो है वो कदम उठाए हैं। अब इसके प्राइजेस अब यहां से तेजी ना जाए, इसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली अभी जो प्राइजेस के ऊपर प्रेशर जो है वो आगे चलकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इस सीजन अच्छे प्राइजेस मिले हैं तो आगे चलकर प्रोडक्शन भी एक्सपेक्टेड है कि सोइंग बढ़ सकती है। प्रोडक्शन कैसा होगा ये फर्दर देखना होगा, लेकिन हाँ सोइंग के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं देंगे कि उसमें एक तेजी का रुझान बन सकता है। और यहां से अब सीजन की तेजी निकल चुकी है और अब यहाँ से मार्केट जो है एडिबल ऑयल नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल इनके अंदर बाइंग में नहीं रहना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। जिन्होंने बाइंग रखा है, जो भी बाउंस बैक मिले उसमें एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चलकर इस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी।